और दिल में समाए कन्हैया, तुम्हें जब दूर से देखे हमें तुम पास लगते हो, अगर नजदीक से देखे तो हमें तुम खास लगते हो। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने फिर एक बार देखा, हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है काना, कसम के आज नहीं रहे। किन्ने ने को देखा तुम्हें चैन ले ले, उसे पूछा हेलो, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, मेरी हालत हो गई, बता दो। तो माता बहनों से नहीं पूछना, बड़ों से पूछना, बता दो कि मैंने लड़ नहीं है तो मुझे माता मेरी हालत हो गई वृंदावन में। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कुछ कह रही है, क्या कह रही है सुनी, मिट्टी मिट्टी ताली भाई हाथ में।
Thank you.
होता है। मेरी माता बहन बहुत सारी बैठी है, एक बार कह दीजिए अभी देखिए मेरी मूछों वाली गोपियां क्या ला रही है। अरे कान्हा की गए, सोई के नहीं समझ गए आज कोई नई नई गोपी आई है।
लेकिन मेरी पक्की गारंटी भाई, देख मुझे गरीब ब्राह्मण पे कृपा करी अपनी पुरानी बन जाऊंगी। आज महाराज ने आपको मौका दिया है स्वयं के लिए हाथ उठाने का, आज खुद के लिए एक बार हाथ उठा दिया और कह दीजिए कहानी बन जाऊंगी, कहानी बन जाऊंगी। खाटू नरेश की, लखदातार की, तीन वांधार की, बड़े वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए जी, उस रात की एक घटना और सुनाऊंगा, उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसी बात होगी। मेरी पहली रात और पहली मुलाकात मेरे ठाकुर जी के साथ मेरे मन में आई, क्यों ना मैं भगवान की नजर उतारूं। अभी मैं नजर कैसे उतारूं, जितनी हमारी माए हैं, माताएं अपने बच्चों की नजर उतारती हैं, नून राई वार देती हैं, धनी इंसान धन से नजर उतार देते हैं, लेकिन पागल ने कैसे नजर उतार, कुछ भी नहीं करना पड़ा। जिससे प्रेम हो जाता है उसे कभी कभी कह देते ओए होए होए, अजी क्या कह देते। तो मेरी उम्र बढ़ती जा रही, कब सुनाई देता, क्या कह दे। मैंने भी कह दिया ठाकुर आज तो बड़े चचे थे, ओ, 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 ओ। मेरी माता बहने आप लोग बिल्कुल संकोच ना करें, आज महाराज इतने मिजाज में बैठे हैं, आज महाराज की नजर उतार दीजिए, कल से घर में बच्चों को नजर लगना बंद हो जाएगी। मेरा दावा, वो मोटे मोटे नैनन के दूध और मीठे मीठे मोटे मोटे नैनन के दूध मीठे मीठे पैर
जी को एक बार देखिए कोई मुख रह ना जाए सीधी बात हाथों तक अपने दावत तक पहुंचने वाली है सारी लग गई है काजल की मेरा त्रिकर मनोली रस रस में बोले काजल की बोले त्रिकर मनोली रस रस में बोले मेरे से बड़े बड़े पागल एक पागल को बुलाए
ताली बजा के भेजिए। देखो एक 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 करके आइटम आ रहे हैं। धन्य बाबा श्याम तेरे कलकत्ते के भक्त इतना डूब गए जब ताड़ी बजाते तो भूल जाते ताड़ी बजाते। इतनी सुंदर ढोलक तुमका बजा रहे मेरे भाई, इनकी तार में ताड़ी होनी चाहिए। प्यार मेहमान अभी अभी सखी कह रही थी कि निगाहें मिलाने को, दूसरी कह रही भैया Let's go.
अब जाने कब आपसे मेरी मुलाकात होगी या नहीं होगी मुझे नहीं मालूम। इसमें जाते जाते आखिरी बार हाथ ठुमा के पूरे साल की नजर उतर जाएगी। ये पूरे वर्ष ये श्रृंगार ये दरबार आपको रह रह कर याद आएगा। कोई हाथ नीचे लो, किसी पड़ोसी का हाथ नीचे हो आप पकड़ के उठाइए। हमारे मनोज जी सब देख लेंगे और झूम के कहीं नजर ना लग जाए। मैं अपने पागलपन के रोने रहूंगा। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ये मेरा वो मेरा ये मेरा दीवानी हो गए मेरा मस्तानी हो मेरा दीवानी हो श्याम बाबा का दरबार हो
और बाबा भूतनाथ का भजन हो तो जयकार करंट में होनी चाहिए, जयकार आमिर बजरंगी हर हर। बोले बाबा भूतनाथ की। बात बात में रूठ जाते हैं मुझसे, कभी कभी ठाकुर जी की शिकायत मैं राधे रानी से कर देता हूं, कभी कभी भोले बाबा से कर देता हूं। आइए एक छोटी सी शिकायत भोलेनाथ से की जाए। शंकर तेरे वास
देखिए श्याम बाबा का दरबार, भोले बाबा का भजन, उसमें डमरू का जिक्र आया है। आखिरी बार एक बार दोनों हाथ उठा के भोलेनाथ का डमरू जरूर बजाइए दरबार में। क्या होगा जब तेरा गौरी जो रूठ जाए? एक बात कह दूं, क्षमा करना बाबा भूतनाथ, बाबा भोलेनाथ मुझे क्षमा करना, माँ आप भी क्षमा करना। मैं घोर कलयुग के समाज में खड़ा हूं, कलयुग की भाषा में बात कर रहा हूं, क्षमा। परिवार में दोनों ही पति पत्नी का स्वभाव कितना मिलता है बताओ, बताओ। आप कहोगे तो ही बताऊंगा, नहीं तो हमारी बहन भी आ गई है बताओ। हमारे भोले बाबा के दरबार में नहीं परिवार में झगड़े का सवाल ही नहीं। परिवार में दोनों ही जो घर के स्वामी हैं, हमारी भाषा में आम भाषा में परिवार में दोनों ही पति पत्नी का स्वभाव कितना मिलता है बताओ। हमारे भोले बाबा 24 घंटे शमशान की भभूति रमाई रहती है, और माता जी सदैव 16 श्रृंगार कर लेती है। कितने विचार मिलते हैं दोनों। भोले बाबा की सवारी बेचारा नादिया बूढ़ा बूढ़ा, और माता जी की सवारी भोले बाबा के गले में सांप और गणेश जी के बगल में चूहा। सांप का प्रिय भोजन है और शेर का प्रिय भोजन है भोले बाबा की सवारी। भोले बाबा के एक और सुपुत्र है भगवान कार्तिक के, उनकी सवारी है मोर, और मोर का प्रिय भोजन है। लेकिन बाबा शंकर भगवान परिवार का मुखिया हो तो भोले बाबा जैसा होना चाहिए। ये परिवार में जितने जीव हैं वो सब एक दूसरे का भोजन है, बस खाली एक दूसरे को देखा ही देख रहे। कब भोले बाबा की नजर घूमे और सब अपना अपना काम दिखाए। लेकिन बाबा शंकर भगवान परिवार में कितना अनुशासन है, इसी बात पर एक जयकार जरूर होनी चाहिए। बोले शंकर भगवान की। लेकिन उसके बावजूद भी हो ही गया इनके घर में एक दिन झगड़ा, और वो भी बड़ा बोले बाबा के परिवार में झगड़ा एक ही बात तो हो सकता है, कोई पिए पेप्सी और कोई कोका कोला, भोले नाथ को चाहिए रोज भांग का। यही झगड़ा और यही प्रॉब्लम। मेरी माता बहने बुरा ना माने, एक बात कह दूं, मेरे घर में भी है क्या, हमारी माता बहनों का जब मिजाज खराब होता है तो तब से लेकर आज तक एक ही तो धमकी देती बेचारी। भाई लोगों को पहले मानो, आप क्यों कह रहे हो, सुन रहे हो, हमारी माता बहनों का जब मिजाज खराब होता है
वैसे ही बड़े बड़े जादू हो जाते हैं। बोले बाबा समाधि में बैठे हैं और माँ जी बड़बड़ कर रही है, क्षमा करना माँ, क्या करेंगे कि जादिन से मैं मेरा के आई और भाग्य हमारे रूठे, ये नाम करे ऐसा हो जाए सिर बटाई। छोड़ के लेके सोई सोई गौरा मां डर गई भगवान।
में मैं फिर नहीं जाऊं। नहीं नहीं तुम जाओ जाओ जाओ। अब तो इतना डर गई किसी वेजन में कहने लगी। देखिए कैलाश पर सुबह सुबह कलेश हो गया। मेरे जैसे जितने भी भोलेनाथ के भूत प्रेत थे सब टेंशन में आ गया। मैं कहूंगा अगर बम 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 लहरी क्या कहेंगे आप लोग। शंकर भगवान से बहुत प्रेम करते हैं मुझे मालूम है। क्या कहेंगे बम लहरी। मेरी माता बहन आप लोग जानते हैं भोले बाबा जितनी जल्दी रूठते हैं नाराज होते हैं उसे बहुत कहीं जल्दी मान जाते हैं। आप माँ माँ की तरफ से गौरा माँ की तरफ से मीठी ताली बजाकर कहेंगे गौरा शब्द समझ कि हाथ जोड़ कर बोली कमर जा हाथ जोड़ कर बोली कमर जा तीन रहलो मैं बस तीन में तीन रहलो मैं बस तीन आप बने भी रावने अली आप बने भी रावने अली राम बोली 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 राम I'm gonna make you mine.